हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था हंटिंग और गैदरिंग के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हर वो एक्टिविटी जिसको कर ह्यूमन जो है इनकम जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इनकम, पैसा कमाता है। हर उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी टोटल 4 पार्ट के हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी टोटल 4 पार्ट के हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट था आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरा टर्शरी एक्टिविटी और चौथा था आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, है ना। 4 एक्टिविटीज था जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में प्राइमरी वाला पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी वाला, उसके बाद टर्शरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी वाले में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज जो होता है, तो हर वो काम, एक्टिविटी मतलब क्या होता है? काम, है ना। तो हर वो काम जिसमें हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। जैसे क्या हो गया आपका? वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, है ना। तो हर वो अर्थ का रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको यूज करके हम कुछ भी सामान बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम सारे उस काम को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे पैस्टोरलिज्म के बारे में, है ना। लास्ट वीडियो में एक फैक्ट भी बताया था, जो कि था कि जो आप च्युइंगम खाते हो, है ना, तो जब फ्लेवर चल जाता है तो च्युइंगम का जो पार्ट बचता है हम उसको बोलते हैं शिकल, है ना। अब आज पढ़ने वाले हम लोग पैस्टोरलिज्म के बारे में। चलो, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके, और फिर मैं इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पैस्टोरलिज्म के बारे में। पैस्टोरलिज्म के बारे में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। एक होगा सबसिस्टेंस, मतलब खुद के लिए, और एक होगा कमर्शियल, यानी कि मार्केट के लिए। सबसे पहले पैस्टोरलिज्म होता क्या है? जो हर्डिंग होती है ना, मतलब जानवर को पालना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, फॉर फूड, फॉर क्लॉथ, फॉर मनी, किसी भी काम के लिए, पैसे के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, जो आपकी रियरिंग होती है एनिमल्स की, हम उसको बोलते हैं पैस्टोरलिज्म। देखिए, पैस्टोरलिज्म के बारे में क्या लिख रहा है। एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, जब हिस्ट्री में, मतलब पहले के टाइम पर, जब लोगों को पता चला कि जो हंटिंग है वो सस्टेनेबल एक्टिविटी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है ना, अगर लार्ज स्केल पर हम उसका हंटिंग करेंगे तो एनिमल्स क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, है ना, एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। तो पहले के टाइम पर हमको क्या पता चला कि जो हंटिंग है ये एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है। क्या है हंटिंग? एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, मतलब इस पर पूरी तरीके से आप रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनिमल्स लिमिटेड है ना। एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ये सब क्या है? लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा कंज्यूम कर लेंगे तब तो खत्म हो जाएगा, है ना। फिर आने वाले टाइम के लिए क्या होगा? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर कहां से खाएंगे, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तब लोगों ने सोचा कि चूंकि हम हंटिंग नहीं कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि जो एनिमल है वो आपका लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे? हम डोमेस्टिकेशन शुरू करेंगे, यानी कि अब हम रियरिंग शुरू करेंगे एनिमल्स का। क्या शुरू करेंगे? रियरिंग शुरू करेंगे, ठीक है, यानी कि पालना पोसना शुरू करेंगे उनको। सो पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस सिलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन।
तो जो लोग जहां रहते हैं वो वहां के एनिमल को पालते हैं, जैसे आपके जो ठंडे वाले रीजन में रहते हैं वो लोग याक पालते हैं, है ना, जो आपके गर्मी वाले रीजन में रहते हैं वो अलग अलग वेराइटी के, मतलब जो जिस रीजन में रह रहे हैं। हमारा अर्थ जो है तो वहां टॉरिड जोन भी है, टेम्परेट जोन भी है और पोलर जोन भी है ना, जहां ज्यादा गर्मी भी है, मॉडरेट भी है और ठंडा भी है। तो रीजन के हिसाब से एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता है डोमेस्टिकेशन के लिए। उसके बाद क्योंकि सारे एनिमल हर जगह नहीं ना मिलेगा, हर एनिमल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एनिमल रेयरिंग टूडे इज प्रैक्टिस इधर एट सब्सिस्टेंस और एट द कमर्शियल लेवल। तो क्या बोल रहा है कि आज के टाइम पर हम जो रियरिंग कर रहे हैं वो हम एक करते हैं सस्टेनेबल के लिए यानी कि खुद के लिए, और एक करते हैं हम कमर्शियल यानी कि पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो लिखिएगा, कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करिए। ठीक है, लिखिएगा, सिंस Hunting is an unsustainable activity. Since hunting is an unsustainable activity, human beings started domestication of animals. Domestication of animals, ठीक है, आगे लिखिएगा, human beings domesticated animals either for their sustenance, sustenance का स्पेलिंग लिख देते हैं सस्टेनेंस, ठीक है, आइदर फॉर देयर सस्टेनेंस और फॉर कमर्शियल पर्पस। हो गया, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग नोमैडिक हर्डिंग के बारे में एक लाइन और उसमें लिख दीजिएगा, लिखिएगा, एनिमल्स आर फाउंड according to favorable climatic condition, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने कंडीशन के हिसाब से मिलते हैं। जैसे जिस एनिमल को ठंडा में कंफर्टेबल है, ठंडा उसके लिए फेवरेबल है, जैसे पोलर बियर, तो वो ठंडे वाले एरिया में मिलेगा। टाइगर ठंडा में नहीं रहेगा, गर्मी में रहेगा, तो उसको हार्श क्लाइमेट वाला एरिया पसंद होगा, है ना, जहां पर फॉरेस्ट कम होंगे तो उसको शिकार अपना आसानी से दिखेगा, है ना, तो वो शिकार आराम से कर सकेगा। या फिर जहां पर बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर क्या कह सकते हैं आप, फॉरेस्ट अच्छा होगा, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस अच्छा होगा, है ना, हरा भरा रहेगा, तो वहां पर जानवर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे फॉरेस्ट में खाने पीने के लिए, तो वहां भी वो अटैक करके अपना पेट भर सकता है। तो एनिमल्स जो है ना वो कहाँ मिलेंगे, वो अपने फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के जगह पर मिलेंगे, जहां पर उनको उनका मन चाहा क्लाइमेट मिलेगा वहां पर एनिमल्स मिलेंगे। चलिए तो एक एक करके समझते हैं सबसिस्टेंस वाले को और कमर्शियल वाले को। तो सबसे पहला पॉइंट है नोमैडिक हर्डिंग, सबसे पहला पॉइंट है सस्टेनेबल में नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, नोमैडिक हर्डिंग या फिर इसी को हम कहते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म। ठीक है, या तो हम इसको कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग या फिर इसी को कहते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म। क्या बोल रहा है, इज अ प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। ये क्या है, ये पहले के टाइम का प्रीमिटिव यानी कि बहुत पहले के टाइम का सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, यानी कि पहले के टाइम पर लोग खुद के लिए जो हर्डिंग करते थे, जो काम करते थे, जानवर को पालते थे, उसको हम कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल, जिसमें जो हर्डर्स थे,
हर्डर मतलब चरवाहे, जो जानवर चढ़ाते हैं, ठीक है। हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। वो एनिमल्स पर पूरी तरीके से डिपेंड रहते थे, खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, शेल्टर के लिए, है ना, उसके स्किन से पूरा छत बन सकता है ना, उसके बाद क्लॉथिंग के लिए और टूल्स के लिए, बोन से टूल्स बनता है ना, क्लॉथिंग भी बनता है कपड़े से जानवर के स्किन के। तो पहले के टाइम पर जो नोमैडिक लोग थे, जो नोमैडिक हर्डर थे, वो लोग पूरी तरीके से डिपेंड थे एनिमल्स के ऊपर अपने सस्टेनेंस के लिए। उसके बाद दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर लाइव स्टॉक। तो जहां का क्लाइमेट अच्छा रहता था तो एनिमल्स वहां जाते थे, तो एनिमल्स के साथ साथ मतलब जो उनका लाइव स्टॉक था, उनके जितने भी जानवर रहते थे नोमैडिक हर्डर के, वो अपने जानवर के साथ साथ चले जाते थे दूसरे प्लेस पर, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर एंड वाटर, ठीक है। तो जहां उनको अच्छा पास्चर मिलता था, यानी कि जहां उनको अच्छा खाना मिलता था उनके जानवर लोग को, जहां पानी मिलता था वहां वो अपने जानवर के साथ साथ चले जाते थे। इच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। और क्या होता था, जहां भी जा रहे हैं वहां पर ये लोग अपना सेटलमेंट बना लेते थे। जैसे आज रह रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर अपना सेटलमेंट बना कर रह रहे हैं, फिर कहीं अच्छे जगह पर इनको अच्छा पास्चर मिला, खाना मिला इनके जानवर के लिए, अच्छा पानी मिला, वहां पर शिफ्ट कर गए, वहां पर पूरा सेटलमेंट बना लिए, ठीक है। उसके बाद अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह रहते हैं, तो पहले बता दिए। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, जैसे जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, कैटल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक। वहां पर जो कैटल है, कैटल मतलब काउ और ऑक्स, ठीक है। तो जो कैटल है ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले एरिया में, वहां पर वो इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक है। देखिए हमारा जो अर्थ है ना, आपको पता ही होगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में बटा हुआ है ना, साथ ही हमारे पास पोलर एरिया भी है। ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, पोलर एरिया, हमारा इंडिया ही जो है, तो हमारा जो इंडिया है उसका जो नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला, नीचे वाला पार्ट आपका ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है ना, ऊपर वाला पार्ट आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। हमारे यहाँ दो ट्रॉपिकल एरिया है, एक है, देखिए हमारा इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको काटता है बीच से, है ना, सेवन स्टेट से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसके नीचे वाला जो एरिया हो गया, जहां पर सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, हम उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। और ऊपर वाला जितना हो गया पार्ट आपका, जहां पर सन का लाइट इनडायरेक्ट पड़ता है, मतलब स्लैंटेड पड़ता है, जहां पर वहां पर अमाउंट ऑफ लाइट कम होता है सन का, जिसको हम टेम्परेट जोन के नाम से भी जानते हैं, उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। तो वैसे ही अलग अलग कंट्री जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काट रहा है, तो नीचे वाला पार्ट ट्रॉपिकल, ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स ज्यादा पाले जाते हैं। व्हाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डिजर्ट शीप, गोट्स एंड कैमल आर रियर्ड। लेकिन सहारा हो गया, मतलब जितना भी डिजर्ट वाला एरिया हो गया, रेगिस्तान वाला, वहां पर शीप को पाला जाता है, गोट को पाला जाता है, कैमल को पाला जाता है, वहां कैटल को नहीं पाला जाता है। तो कुछ जगह मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको लिखवाया ना, एनिमल्स जो है वो अपने फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलेंगे। तो कैमल्स के लिए ट्रॉपिकल वाला जो आपके अफ्रीका के ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है वो अच्छा है, वहां उनको पास्चर, उनको वाटर अच्छा मिलता है, तो वो वहां रहते हैं। फिर आपके जो शिप हो गए, गोट हो गए, कैमल हो गए, इनको डिजर्ट वाला एरिया फेवरेबल इनके लिए, तो ये वहां रह गए, ठीक है। उसके बाद माउंटेनस एरिया में, जैसे माउंटेनस एरिया हो गया तिब्बत का, एंडस का, वहां पर याक और इलामस, और जो आर्कटिक और सब आर्कटिक एरिया है, यानी कि ठंडा वाला एरिया, ठीक है, पोलर वाला, वहां पर आपको रेंडियर मिल जाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, पेस्टोरल नोमेडिज्म इज एसोसिएटेड विद थ्री इंपॉर्टेंट रीजन्स। जो पेस्टोरल नोमेडिज्म है, यानी कि जो नोमैडिक हर्डिंग होता है, तो नोमैडिक हर्डिंग तीन जगह पर खास करके होता है। कहां कहां, द कोर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड्स अक्रॉस द अरबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं, बुक में समझाऊं, नहीं इसे यहीं पर समझा देता हूं। देखिए
आपको पता होगा अफ्रीका है, इसके थोड़ा बाद जाकर है इंडिया और ऊपर में है चाइना और मंगोलिया। ठीक है, अफ्रीका है, अफ्रीका से थोड़ा दूर जाकर इंडिया, इंडिया से थोड़ा सा आगे चाइना और मंगोलिया। तो यहां पर है आपका अटलांटिक ओशन, है ना। तो इस वाले साइड से लेकर पूरा चाइना तक पैस्टोरल नोमेडिज्म होता है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सारा कंटेंट। चलिए, तो यहां से नॉर्थ, ये जो शोर है इसका किनारा है जो अटलांटिक का, इस साइड ईस्टर्ड वाल, ईस्टवर्ड वाला, वहां से लेकर आपके चाइना यानी कि मंगोलिया चाइना सब में मिलाकर इतने दूर में आपका होता है नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा, सेकेंड रीजन एक्सटेंड्स ओवर द टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। दूसरा रीजन ऊपर यूरोप और रशिया, यूरोप और एशिया वाला है। ठीक है, ऊपर में देखिएगा रशिया, रशिया इधर यूरोप और इधर रशिया मिलाकर पूरा जो एरिया है वहां पर हो गया। उसके बाद आप देखिए थर्ड है आपका, इन द सदर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्मॉल एरियाज इन द साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मदागास्कर। यहां पर है मदागास्कर आइलैंड आपका, है ना, यहां पर है आपका मदागास्कर आइलैंड। तो लास्ट हो गया आपका यहां। मूवमेंट इन सर्च ऑफ पास्चर इज अंडरटेकन इधर ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर इन द माउंटेनस रीजन। तो या तो पास्चर के लिए, ठीक है, पास्चर के लिए मतलब खाने के लिए, मैंने बताया ना मूवमेंट जो होता है एनिमल्स का, वो जहां भी अच्छा पास्चर मिलेगा, जहां भी अच्छा वाटर मिलेगा, सारे के सारे हर्डर जो है अपने लाइव स्टॉक को लेकर वहां चले जाएंगे, है ना। तो क्या बोल रहा है, या तो मूवमेंट आपका हॉरिजॉन्टल होगा मतलब प्लेन टू प्लेन सरफेस, प्लेन टू प्लेन सरफेस, या फिर अगर माउंटेन पर अच्छा मिलेगा तो माउंटेन पर चले जाएंगे यानी कि हाई एलिवेशन पर। ठीक है, तो प्लेन टू माउंटेनियस रीजन। ठीक है, तो पास्चर्स के, बस इससे ये बताना चाह रहा है ना, उतना है मत याद रखो कि प्लेन से माउंटेन पर जा रहे हैं प्लेन टू प्लेन, बस इतना याद रखो पास्चर्स और वाटर जहां भी अच्छा मिल रहा है, चाहे वो फ्लैट सरफेस हो, माउंटेनस एरिया हो या डाउनवर्ड वाला एरिया हो, जहां भी या रिवर वैली वाले, कोई भी रिलीफ फीचर हो अर्थ का, कहीं भी पास्चर और वाटर अच्छा मिलेगा तो एनिमल्स वहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि एनिमल्स अपने फेवरेबल क्लाइमेट में रहते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू माउंटेन्स ड्यूरिंग समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज ट्रांस ह्यूमेंस। अब ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिया हुआ है, उसको समझेंगे क्या बोल रहा है, ट्रांस ह्यूमेंस से क्या मतलब है कहने का, ट्रांस ह्यूमेंस। ठीक है, देखो सबसे पहली लाइन उसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, है ना, माइग्रेशन करने का प्रोसेस मतलब मूवमेंट। तो क्या होता है समर में और विंटर में, देखो समर में उसमें बोल रहा है कि प्लेन एरिया से माउंटेन्स पर चले जा, समर में फ्लैट लैंड से मतलब प्लेन एरिया से कहां चले जाते हैं, टू माउंटेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया से माउंटेन पर, और विंटर में उसी का रिवर्स, अब ऊपर गए हैं तो नीचे आएंगे ना, तो ऊपर गए हैं प्लेन लैंड से तो ऊपर माउंटेन पर गए हैं तो माउंटेन से फिर नीचे भी तो आएंगे, माउंटेन टू प्लेन। गर्मी में चले गए भाई, क्योंकि गर्मी में माउंटेन पर बारिश अच्छी होगी, बारिश अच्छा होगा तो फॉरेस्ट अच्छा जमेगा, फॉरेस्ट अच्छा होगा तो वहां फॉरेस्ट प्रोड्यूस अच्छा होगा, है ना, फल वगैरह हर्ब्स वगैरह अच्छे अच्छे निकलेंगे, तो चले गए पास्चर वहां अच्छा था तो चले गए। विंटर में क्या है, विंटर में माउंटेन पर ठंड ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा ठंड पड़ेगा तो एनिमल्स मर जाएंगे ना, तो इसलिए वापस से प्लेन सरफेस पर आ गए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका, ये जो प्रोसेस हुआ प्लेन एरिया से माउंटेन पर और माउंटेन से फिर प्लेन के ऊपर, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस
ह्यूमेंस, ट्रांस ह्यूमेंस, ठीक है, इसको लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए। चलिए उसके क्रॉस करके अपना लिख लीजिएगा। चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है देखिए। इन माउंटेनस एरियाज, अब कुछ माउंटेन एरिया का दे रहा है, जैसे हिमालयस हो गया आपका, तो यहाँ पर गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज, भोतियास माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन इन समर एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स इन विंटर। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि जो हिमालय एरियाज है ना, हिमालय, वहां पर ट्रांस ह्यूमेंस होता है, ट्रांस ह्यूमेंस होता है, ट्रांस ह्यूमेंस मतलब माइग्रेशन होता है समर में प्लेन से माउंटेन पर, विंटर में माउंटेन से प्लेन के ऊपर। इसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से इन द टुंड्रा रीजन द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर। उसी की तरह क्या होता है टुंड्रा वाले रीजन में, आपका जो टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा में समर के टाइम पर, ठीक है, और विंटर के टाइम पर, समर के टाइम पर बोल रहा है आपका साउथ से, यानी कि नीचे से साउथ से नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, और विंटर में नॉर्थ से साउथ की तरफ वापस चले जाते हैं, ठीक है। देखिए टुंड्रा में ये हो गया नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। साउथ से टुंड्रा में समर के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर साउथ से चले जाते हैं नॉर्थ में, और ठंडे के टाइम पर नॉर्थ से चले जाते हैं साउथ में, ठीक है, नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द नंबर ऑफ पास्टोरल नोमैड हैज बीन डिक्रीजिंग एंड द एरियाज ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। अब देखिए बाबू क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे पहले क्या था, पहले भाला था, है ना, पहले भाला था, तीर था, तो उससे वो सब प्रिमिटिव टूल्स था, उससे कम हंटिंग होता था, प्लस जो आपका ये जो रियरिंग हो रहा है एनिमल्स का, ठीक है, ये जो रियरिंग हो रहा है एनिमल्स का, पहले के टाइम पर एक बेसिक नीड था, खाने पीने का सारा सोर्स पूरी तरीके से लोग उस पर डिपेंड थे। आज के टाइम पर देखिए कोई क्या इसकी लेदर पहनता है, मतलब जो चमड़ा है आपका एनिमल्स लोग का पहनता है, नहीं पहनता है, क्या पहनता है, ये सब पहनता है ना, कपड़ा, शर्ट पहनता है, कॉटन का कपड़ा पहनता है, तो क्लॉथिंग के लिए ये हो गया हमारे पास, खाना तो एनिमल्स के अलावा भी तो खाना हमारे पास आ गया ना, तो उससे उसका भी काम खत्म हो गया। शेल्टर, हम लोग पक्का मकान में रहते हैं, आप ऊपर से खाल वगैरह ढाके तो नहीं रहते हैं, तो पक्का मकान हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए कार आ गया है, रेलवे आ गया है, आपका एरोप्लेन आ गया है, तो बैलगाड़ी खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो क्या हुआ कि धीरे धीरे आपका जो नोमैडिक हर्डिंग था, नोमैडिक हर्डिंग था मतलब जो लोग पूरी तरीके से एनिमल्स के ऊपर अपने लाइफ के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए डिपेंड थे, वो खत्म हो गया, है ना, मतलब धीरे धीरे कम हो गया, खत्म नहीं कह सकते उसको, कम कह सकते, क्योंकि आज भी कुछ एरिया है जो बैकवर्ड है काफी ज्यादा, वहां होता है। दिस इज ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो श्रिंकिंग था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब डेवलपमेंट हो गया है बहुत सारे एरिया में, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मतलब सरकार ने हंटिंग पर, यानी कि पोचिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है, है ना, हंटिंग नहीं कर सकते हो, और आपका न्यू सेटलमेंट प्लान चल रहा है, मतलब अब कोई रहता है क्या, ऐसा कोई करता है क्या कि गर्मी हुआ चल गए पहाड़ पर रहने के लिए, ठंडा हुआ वापस से आ गए फ्लैट सरफेस पर, नहीं ना, अब तो सबके पास परमानेंट होम है, हाउस है, तो सब अपने परमानेंट होम में, हाउस में रहते हैं, ठीक है। ये था आपका पेस्टोरलिज्म में नोमैडिक हर्डिंग सस्टेनेंस वाला पार्ट। लिखिएगा, कॉपी निकालिए, लिखना शुरू करिए, लिखिएगा nomadic herding is also known as nomadic herding is also known as pastoral nomadism NOMADISM
NOMADISM. Nomadism. Nomadic herding is also known as pastoral nomadism. सेकेंड पॉइंट में इसको पॉइंट वन आके लिखिएगा सारे को, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर, फिर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा नोमैडिक हर्डिंग इज अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी. तीसरा पॉइंट लिखिएगा People migrate from one place to another place with their livestock in search of pastures and water. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. हाँ, वो इम्पोर्टेंट रीजन वाला तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ट्रांसह्यूमंस वाला तो लिखवा दिए ना वो बोर्ड पर. और क्या है आपका, हाँ ये लास्ट वाला पॉइंट लिखिए, द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स लिखे, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो जो लास्ट वाला लिखवाए, ठीक है, सबसिस्टेंस एक्टिविटी वाला, मूवमेंट वाला, मूवमेंट के बाद लिखिएगा द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स NOMADS nomads has been decreasing and the areas operated by them operated by them shrinking 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 due to political interference background noise को थोड़ा ignore करिएगा, ठीक है, political interference and new settlement plans.